Hey guys, welcome back in Gotham Knights. And मैं वापस Batgirl के साथ ही खेल रहा हूँ और अब मेरे को लाइक काफ़ी दिन हो गए हैं इस गेम को खेलते हुए एंड ये गेम कम्प्लीट ही नहीं हो रही है यार. ये बहुत बड़ी गेम है, पता नहीं क्यों या मेरे को लग रही है, आई डोंट नो. मैंने बीच में और गेम्स खेली और या मैं भूल चुका हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है. मुझे लगता है लास्ट टाइम हमने शायद हार्ली क्विन को मारा था या हार्ली क्विन पकड़ी गई थी वापस जेल में चली गई. हार्ली क्विन दो बारी जेल जा चुकी है, वाह वो निकल जाती है हर बारी और फिर से वे जेल में पहुँच जाती है, पता नहीं क्यों. तो या मैं एक बारी देख लेता हूँ कि अपने पास कोई सूट है क्या अच्छा था एंड देन द गियर्स अपग्रेड करते हैं एंड फिर हम लोग चलते हैं आगे. ये वाला सूट मैंने शायद इक्विप कर रखा है करंटली. ओह नो ब्रो, से पहले वाले सूट्स की पावर इतनी कम की और इसकी इतनी ज़्यादा क्यों है, पता नहीं. ऑल राइट एंड मेले वेपन को भी मैं शायद अपग्रेड नहीं कर सकता. ओह मैं कर सकता हूँ लेकिन सेकेंड मेरे पास करंटली कौन सा है, आई डोंट नो यार मेरे पास करंटली कौन सा है. ओके तो मेरी लेवल मेली की 643 है और रेंज की 881 है और 681 इसकी है, ठीक है. ऑल राइट तो ये तो बहुत कम कम पावर्स हैं इतनी तो फिर ओके. आई थिंक से मैं सब पूरा अपग्रेडेड हूँ मे बी, बस मैं इसको या तो अपन मास्क चेंज कर देता है. मास्क ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड सिंबल की भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देखिए को मैंने सब चीज़ें थोड़ी चेंज कर दिया तो थोड़ा सा अलग लगेगा. ऑल राइट अब मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ वैसे तो, या मे बी वाइट कर सकता हूँ मैं या फिर बैटगर्ल का ओरिजिनल कलर कर सकता हूँ. देखिए को लेट्स गो, मैं एक बार ये एबिलिटीज और चेक कर लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट. ओके मेरे पास पॉइंट्स ही नहीं है तो व्हाट वी हैव टू डू. चैलेंजेस ओके तो अपने को मैन बैट मारना है जो कि बाहर निकल गया था और उस मैन बैट ने बड़ी गंदी धुलाई करी थी अपने नाइट विंग की. तो तब मैं नाइट विंग के साथ खेल रहा था और नाइट विंग की बहुत गंदी धुलाई हुई है मैन बैट से. तो अब शायद आई थिंक सो टोटल 3 मैन बैट हैं जिनको हमें मारना है और वे लोग गौथम के अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं तो उस इलाके में जाना पड़ेगा और शायद मैन बैट को ढूंढना पड़ेगा और मे बी शायद हो सकता है कि वहाँ पर मिशन की तरह एक जगह हो. ओह यहाँ पानी कब से आने लगा. अच्छा वैसे गौथम में तो रोज ही ऑलराइट तो मैन बैट को हैंडल्स करना है सबको. यार एक तो ना अलग अलग गेम खेलने की वजह से हर बार ये प्रॉब्लम होती है कि मैं ना कंट्रोल्स भूल जाता हूँ. ऑलराइट तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरी लो करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है. टॉक टू ऑस्कॉर ऑलराइट लेकिन मैन बैट्स वाली कहाँ पर है कहानी. लोकेशन फॉर ये केस फाइल्स तो मे बी शायद ये अभी तक से आएगा नहीं जब तक मैं ऑलराइट शायद ये अभी आएगा नहीं क्योंकि मैं अभी वो नहीं कर पा रहा हूँ. मेरी लेवल 21 है और उसको लेवल 24 चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है. डिस्कवर कलेक्टिबल्स मूवमेंट केस फाइल्स. यार ये मैन बेट यहाँ पर है ना, एक बार यहाँ पर जाके देखते हैं सीधा. ये आर्कम असाइलम के बिल्कुल ठीक सामने वाली बिल्डिंग है. ऑलराइट तो यहाँ पर है मैन बेट, देखो इसको जाके देखते हैं वहाँ पर मेरे को दिखता है क्या. वैसे मुझे लगता नहीं है वहाँ पर कोई ना कोई एक मिशन आना चाहिए था. ग्लाइड करना भूल गया हूँ. ऑलराइट देखो एक मेरे को ऊपर की थोड़ी जगह मिल जाए ना तो मैं अच्छे से ग्लाइड कर पाऊँगा. ओह नो तो फिर गेम डैग मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी है. आई डोंट नो इस गेम की रेटिंग थोड़ी सी ख़राब है, लोगों को उतना मज़ा नहीं आया जितना उनको आर्कम गेम्स में मज़ा आता था, बट ये कुछ अलग है. वो मैन बैट है शायद, यहाँ पर गोली बैट तो चल रही है. ओ वो रहा ऑलराइट देयर वी गो. ओके लेट्स डू दिस ये क्या कर रहा हूँ मैं.
उसको लग गई. लेट्स गो. लग रही है उसको. ऑल राइट नीचे उतर जा ब्रदर. अरे नहीं. ओके आ गया. ओह नो ब्रो. या इसको हराना थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि मेरी लेवल कम है. जो सुपर सोनिक फेंक रहा है यार ये तो. ऑल राइट. ओह नो नो ब्रो ये स्टंट कर रहा है. मैं एक बार ये एक हैवी अटैक मार के देखता हूँ. ओह ऑल राइट मेरे पास एक ड्रोन भी है. मैं ड्रोन यूज़ करूँगा तो मोस्ट वैल्यू ड्रोन इसको काफ़ी डैमेज दे देगा हर बारी. अरे ब्रो इसके पास छोटे छोटे बंदे कहाँ से आए हैं. ऑल राइट ये आउस का ही है ना मैन बैट तो इस वजह से आउस के बंदे आए हैं उसको बचाने के लिए. हेलो गाइस तो वो खाली अकेला कम था क्या तो तुम भी आ गए हैं. मैं इसको रेंज वेपन दे सकता हूँ वैसे. या वैसे कर सकता हूँ यार मैं मैन बैट को आराम से. स्टन. ऑल राइट बहुत अच्छा डैमेज हुआ. ओके उसकी हेल्थ आधी हो गई है. ओह नो ब्रो ये आउट्स के बंदे और भी हैं. ब्रदर क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर हैं. डरने लगता है क्या तुम्हें बड़े बड़े चमगादड़ों से. बैट गर्ल लड़ रही है. बैट मैन नहीं. बैट मैन नहीं मैन बैट से. यार दो दो वर्ड्स को ही बस पांच छह तरीके से मोड़ रखा है कुछ नहीं. बैटमैन का बैट. ओ मैं कंफ्यूज हो गया. इस बंदे को तो मैं नीचे गिर देता हूँ यहाँ से वैसे. लेकिन ना ये लोग गायब हो जाते हैं. प्रॉब्लम इनकी है सबसे बड़ी. ओ नो. ओ ब्रो मैं इसको वापस टर्न करने की कोशिश करता. देखो दो तीन हैवी अटैक में चला जाएगा भाई. ओ नो ब्रो है तो ये एक तरह का जानवर ही. लेकिन ये किसी बंदे से ही बना है. इन्होंने किसी मरे हुए बंदे को उसको बैट की एबिलिटी दे दी. ऑल राइट दे ब्रो आता इजी. ओह ओके ये काफ़ी सही था. ऑल राइट तो एक गया तीन बाकी. देवी को अब अपन चलते हैं अगले वाले के पास और उसकी भी देखनी पड़ेगी कि वो है कहाँ पर. अरे यार वो दिखता कैसे है. रुको क्या तो अगला है यहाँ पर. ये शायद मिड वाली सिटी है और ये वाली इस पे जा सकते हैं. मतलब ये बिल्कुल ब्रिज है यहाँ से और यहाँ से जा रहा है थोड़ा सा कॉर्नर पे है. उसके राइट साइड में शायद तीन क्रेन्स ही हैं. ऑल राइट देखता है ये वाली जगह कहाँ पर है. वो ब्रिज और क्रेन. ओह ये रही. ये तीन क्रेन्स हैं. ये ब्रिज है वो यहाँ पर है. मैं यहाँ पे फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ एंड फिर हम जल्दी पहुँच जाएंगे उसके पास इजीली. तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है बैट मैन बैट्स को मारना. लेकिन थोड़ा सा हार्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी लेवल्स बढ़ी है. यार ये चीज़ बड़ी कूल लगती है हर बारी जब भी देखो ना. जब भी ये फास्ट ट्रेवल करती है खतरनाक लगती है ये जगह. तो लेट्स गो. हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलर हुआ रहता है. वैसे गौतम में यहाँ पर ग्रीन कलर हुआ हुआ है. मुक्का वहाँ पर घूम रहा होगा मैन बैट कहीं पर. मे बी इस वेन टैग के ऊपर तो नहीं है वो. वो मुझे लग रहा है वेन टैग के ऊपर है. वो ऊँची जगह ही घूम रहा होगा मुझे लगता नहीं. मैंने शायद गलत बिल्डिंग मार्क कर दी. मेरे हिसाब से वो इस बिल्डिंग के ऊपर है. लेट्स सी पहले वाली बिल्डिंग देखा था. ओह नो वेयर इज ही. ब्रो इसने यहाँ बंदे मार रखे हैं. आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस. ब्रदर नीचे उतरो. नीचे उतरो यार क्या कर रहे हो ऊपर. यार मेरा ना बॉट चला गया नहीं तो बॉट काफ़ी सही काम कर देता है. ओ आ गया आ गया आ गया. तो यार इस बंदे से तो लड़ते हुए डर लग रहा है मतलब.
ऑल राइट, उसकी हेल्थ तो कुछ ज़्यादा ख़त्म कर दिया मैंने। देखो ये गया। ओ नो, मिसाइल। अरे दो दो मिसाइल कैसे छोड़ रहा है? मैं तो एक छोड़ के मैंने लाइक डॉच करना छोड़ दिया था, लेकिन अच्छा वो लगी नहीं मेरे को। मेरी हेल्थ बहुत कम है। ओ नो ब्रो, अच्छा अटैक है वैसे इस पर। ओ नो, कॉर्नर में अटका दिया। There we go. The bigger they are, the harder they fall. Okay, मैं हील कर लेता हूँ। तो अपने पास बस लास्ट बंदा। ऑलराइट, देखते हैं कि वो मैन बैट यहीं पर है या फिर कहाँ पर है। तो वहाँ पर एक ब्रिज इधर से आ रहा था, एक ब्रिज इधर से जा रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं पर ही है, इस वाली बिल्डिंग पर, आई थिंक सो। बट सीन ये कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ब्रिज हैं, एंड देखते हैं कि उसमें कहाँ था। या 1, 2, 3, 4, तो यही वाली जगह मोस्टली यही जगह। लेट्स गो, तो मैं वहाँ पर भी सेम यही करते हैं। लेट्स गो एंड फास्ट ट्रेवल। मुझे लगता है वो बिल्डिंग ये वाली होगी सबसे ऊंची, क्योंकि मैन बट ऊंची बिल्डिंग के आसपास ही घूम रहा। हमने जितनी भी बिल्डिंग्स देखी है वो सब ऊंची है हर एक शहर की। लेकिन यार हमारा एक ही मैन बेट निकला था वहाँ से, पता नहीं कि तीन कैसे हो गए, बट कोई बात नहीं। बैटगर्ल मुझे लग रहा है ज़्यादा ताकत हो रहा है नाइट विंग से, और मे बी मेरे गेम में। इधर साइड है वो वाली बिल्डिंग है। राइट, देविको, ये बिल्डिंग हॉस्पिटल है। ओके, हॉस्पिटल के ऊपर है मैन बेट। हॉस्पिटल की बिल्डिंग यार कुछ ज़्यादा ऊँची है। देविको, इस मैन बैट पूरा आ गया भाई, आ गया पूर्ता पंछी। ओके, अभी वो मेरी रेंज में नहीं है। अरे अब है वो, ब्रदर नीचे आओ। ओ नो, ऑल राइट। ओके, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ड्रोन खोल देता हूँ। यस, अब लगी उसको। ओ नो, अभी छपट्टा मारने वाला हूँ, और फिर इसके बाद मैं स्टन कर देता हूँ उसको। या काफ़ी जल्दी मार दिया यार मैंने, मतलब एक आधी एचपी तो गड़ी हुई है उसकी। ब्रदर मैं तुम्हारे पीछे हूँ, क्या कर रहे हो मैन बैट? ओह नो, अरे ये बंदे आ गए, बस ये ख़त्म होने वाला है। ओह काट गया वो। ऑल राइट, अब इसके पड़ने वाली है गंदी। ओह ब्रो वो भाग गया। ऑल राइट, देवी को ख़त्म, ईजी। ओह यार ये दो दो मिसाइलें फेंकता है, मैं भूल जाता हूँ कि दूसरी मिसाइल भी आने वाली है। मैं एक को डॉच कर लेता हूँ, दूसरी छोड़ देता हूँ। ऑलराइट, देयर वी गो। गुड न्यूज़, वी हैव अ लोकेशन, द क्रीचर्स आर कमिंग फ्रॉम द सेमेट्री। ओह नाइस, थैंक्स बेलफ्री। तो अब अपने को पूरी लोकेशन पता चल गई है, अगर हमने वहाँ पर रोक दिया तो फिर लगे मैन बैट्स और आ नहीं पाएंगे। लेट्स गो, तो वे लोग सेमेट्री से आ रहे हैं। हाँ, सेमेट्री मे भी वो वही जगह होती है जहाँ पे सब लाश होती है लोगों की, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि ये जो आउल्स के बंदे हैं ये यही कर रहे हैं, जो भी लोग मरे हुए होते हैं उनको ये जिंदा कर देता है ऐसा करके। तो ऐसे करके एक वो क्रिएचर है जो इसकी स्पीड बहुत तेज है, वो भी ये ऐसे ही बनाते हैं उनको भी। तो ये लोग अब दो तरह के क्रिएचर बना रहे हैं उनसे, एक मैन बैट्स और एक वो जिनकी स्पीड तेज होती है। ऑल राइट, अभी दूर है यार ये जगह, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यार गॉथम में। इस गेम को मुझे ना सुबह में भी देखना है कि खाली रात रात में नहीं, क्योंकि आप इस गेम को सिर्फ खाली रात रात में खेल सकते हो। ऑब्वियसली गॉथम में बहुत कम सुबह होती है, या सुबह वाले सीन नहीं होते हैं। अगर तो बैटमैन की मूवीज़ भी देखोगे उसमें सुबह वाले सीन बहुत कम होते हैं, बैटमैन मोस्टली रात को ही निकलता है लाइक ऑलमोस्ट। और ये सब बैट फैमिली के हैं, तो ये सब रात को ही निकलते हैं सारे क्रिमिनल एक्टिविटी रोकने के लिए। को पहुँच गए बस 80 meters। ऑल राइट, मुझे लगता है वहाँ से नीचे जाना है कहीं। तो ये वाला कलर बैट गर्ल का ओरिजिनल कलर है, जिसके अंदर थोड़ा सा पर्पल आता है और येलो एंड ब्लैक ऑल्सो, लाइक ब्लैक तो ऑब्वियसली आएगा इसमें। ओ भाई ये तो टनल जैसी लग रही है ब्रो, ये तो खतरनाक टनल बना रखी है इन्होंने। इन्होंने लैंप्स कैसे लगा रखे हैं यहाँ पर? या देवी को
तो कोई यहाँ नीचे जाना? या This is somehow weirder than the ruins of Arkham. तो बैट को डर ही नहीं दिया ना मतलब? यहाँ तो बेलफ्री का सिग्नल भी नहीं आएगा. That is a long way down. Better find a way around. What? Use mouse to scan a particular object. Let me see. यहाँ कुछ नहीं होने वाला. वहाँ पर क्या है? Explosive lantern that can trigger a proximity damage. Okay. लेकिन वो तो बहुत दूर है. तो लाइक दीवार के भी उस साइड है. मैं ऊपर से जा नहीं सकता शायद. ये जा सकता हूँ? नहीं. Let me see. अगर मैं Belfry, the leak dug a tunnel under the cemetery. I'm gonna follow it, see where it goes. Be careful. Don't do anything I wouldn't do. यार नहीं, मैं सोचा था कि मैं यहाँ से ग्लाइड करके जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है. Bro, कैनरी टनल. Okay. Okay, मेरे ऊपर तो नहीं कुछ है. मैं यार यहाँ पर कुछ है ही नहीं यार स्कैन करने को. अच्छा, अगर मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ तो शायद इसकी आँखें जल जाती है या ओके ये तो मैंने अभी देखा. लेकिन ब्रो देख, ये चीज़ होएगी कैसे? इम्पैक्ट डिप. ओ रुको एक मिनट या दे देखो. ऑल राइट ऑल राइट. ओके उन पे जा ही नहीं पाऊंगा मैं. दे देखो, वैसे ऊपर वाले पे जाने की जरूरत है नहीं मेरे को. लेट्स गो. ओ ये एक्सप्लोजिव वाला था. ओके ओके वो फट जाता है कोई इसके आसपास जाता है तो. यहाँ पर भी है, पहले फोड़ देता है. इजी. अब लगता नहीं है कोई और माइन है यहाँ पर. यप. ओके मैं आखिर में पहुँच गया हूँ शायद टनल के. मैं इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा? देखो, लेट्स गो आगे चलते हैं. Belfry, I've somehow managed to get into the Batcave. What's left of it, anyway? All right. From the cemetery. How long is that tunnel? Long. The League is after something specific. They knew where they were digging. Oh no, yeah, I'm about to be there. Ultra. Bro. All right. एक मिनट रुको, इधर ही तो आना था मैं. उधर से कूद कूद के इधर तो आया हूँ. या All right. I wonder how much that penny would be worth at auction. इतना बड़ा कॉइन है यार. वो बनवाया किसने होगा और ये रखा क्यों है यहाँ पर? मतलब गॉथम सिटी ऐसी है कि जितनी ऊपर है उसमें आधी चीज़ें बहुत बहुत नीचे भी है. में हर जगह टनल्स वगैरह पड़ी हैं. ओके ये और नीचे जाए जा रही है वो. ओह बच गए, मुझे लगा वापस गिरने वाला हूँ. ओ ओ ओ ओ ओ ओ नो, मुझे ये बहुत गंदी आवाज़ लग रही. अरे बाय बाय दीदी, मैं जा रहा हूँ. मुझे लड़ना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ. Oh no. Bro. कितना ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है यार उससे. ओके एक बार ये और हेल्थ ले लेता है. असैसिन या यहाँ पर और असैसिन आया है ना. एक और रॉकेट आने वाला है यार, मुझको पता था.
ऑल राइट, अभी मेरे पास ड्रोन आया तो मैं ड्रोन को बुला ही लेता हूँ। बात की बात बाद में देखेंगे अगर बाद में सही होगा ड्रोन या नहीं। एक और माइन। अच्छा ये भाई इन पे रॉकेट लॉन्चर भी है, इन पे मोटार भी है बंदों पे। ओके वो क्या देखो। ओह एक और बचा है। ऑल राइट बाय बाय गाइज। हाँ अब मेरे को किस साइड जाना है? मोस्ट प्रोबेबली उस साइड जाना है। अरे वो ड्रोन गुड बाय बोल के गया था क्या अभी? एक और मैन बैट। बैटमैन के उल्टा मैन बैट। इजी नामकरण तो बहुत जल्दी कर रहे हैं इन्होंने, लाइक बहुत इजीली। इसको हम क्या रखेंगे नाम? मैन बैट। यार मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो ड्रोन यूज नहीं करना चाहिए था। वैसे इसको ना रेंज वेपन से भी काफ़ी सही डैमेज पड़ जाता है। जैसे इसके वो लगाई गई है ना उस पर लगा। ऑलराइट काफ़ी सही है यार वो वाला टेक्निक ना, कि वो बार बार ही मारते रहता है। एक आता ना या इसको हैवी पड़ जाए तो 400 का डैमेज पड़ता है सीधा। ओनो भाग गया वो। ओनो ब्रदर ये नीचे आएगा पूरी तेजी से आएगा, ये क्रैश लैंडिंग कर देगा। या मुझे पता था। ओह नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पॉइजन लगा हुआ है इसके हाथों पे। या एक और हैवी, एक और हैवी देवी को। ओह नो अब मैं इसके पास जाके ना बढ़िया वाला पंच देने वाला हूँ। ओके वो चिल्लक भी गया क्या? अभी ये भी नहीं पता है कितने और हैं इस गेम में मैन बैट्स। वैसे भाग ना जाए बंदा ना, ये भाग जाता है फिर और ले आता है। ये देखो भाग गया। पता है किधर भाग जाता है यार तुम? ऑल राइट इसका तो जीजी हो गया। अरे यहाँ पर जोकर की फोटो क्यों है? Squeezing, थोड़ा सा और स्क्वीज, थोड़ा सा और। Let's go. Oh no, मुझे माइंस देखनी पड़ेगी। या अच्छा वो मैंने अभी जस्ट ही देखा ना, ये तो काफ़ी सही डैमेज दे देती है माइंस। इनका एक बर्निंग इफेक्ट है तो ये गया, ये भी डाउन। अच्छा यहाँ पे माइंस लगी हुई है। ओके नाउ व्हाट? ऑलराइट देयर वी गो। ब्रो कितनी नीचे जाएगी ये जगह? मतलब मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ, बहुत नीचे, और ये जाए जा रही है जगह और नीचे और नीचे। कितनी माइंस लगा रखी है इन्होंने। ए गाइस ओए। ओके 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 नहीं नहीं रुको यार थोड़ा सा सब्र करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी हीलिंग खत्म हो जाएगी यहाँ, इतनी ज़्यादा गंदी पिटाई हो रही है मेरी। और एक और रॉकेट, पहले तो एक बंदे को ख़त्म कर देता हूँ जिसकी हेल्थ कम है। या एक तो गया। फिर उसकी शॉर्ट में आग लगी हुई है मोटा। इसको मैं एक ऑल राइट उन पर थोड़ा सा इफेक्ट लग जाता है, उससे शायद उनकी हेल्थ जल्दी कम होती है इस वाले अटैक से। जैसे इसको भी मैं दे सकता हूँ, तो इस पर भी अब जल्दी जल्दी लगेगा और डैमेज भी बढ़ जाता है। ये भाग गया यार वापस, पूरी तेज़ी से आता है जैसे वापस आता है ना।
अब नहीं उठने वाला है इतनी गंदी पिटाई होने के बाद तो. एंड या तो मैं ऊपर से जा सकता हूँ या यहाँ स्क्वीज थ्रू करके जा सकता हूँ. एक मिनट, मैं यहाँ से आया हूँ क्या, या मैं स्क्वीज थ्रू करके आया था शायद. ऑलराइट, एक और भाई ये. अच्छा नहीं, ये यहाँ पर तो कोई चेस्ट है. ओके, तो अब मेरे को, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं स्क्वीज थ्रू करके आया था या फिर इधर से आया था. आई थिंक सो, मेरे को स्क्वीज थ्रू करके जाना है. हम लोग जो नीचे स्लाइड होते हुए आए थे. ब्रो ये डर नहीं रहा ऐसे, एक बात तो है कितनी नीचे जा चुकी है. रीच दे दी लोअर अरविंद. ऑलराइट, ये तो और भी नीचे है यार, इतने नीचे जाएंगे हम. गाइस तुम लोग मानने के नहीं शायद लगता है, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि इनसे लड़ना ज़रूरी है. एंड अगर ओह नो, ओके स्क्वीज थ्रू कर दो मेरे को. नहीं, इनसे लड़ना ज़रूरी पड़ेगा और उसके लिए मैं बॉट बुलाने वाला हूँ. बॉट एक आधे से तो लड़ ही लेगा अपने आप ही. मेरे पास कोई क्राउड कंट्रोल वाला नहीं है कि इतने सारे बंदों के बीच में मैं कोई एक एबिलिटी यूज़ कर दूँ. सिर्फ एक बॉट को छोड़ के, बॉट मेरे को हेल्प भी दे रहा है. इजी कौन हो? ये बंदा तो पिटता रहेगा ये जब तक ख़त्म नहीं होता. ओह वो ख़त्म हो गया क्या? ऑल राइट, देयर वी गो. हाँ वो बॉट ही बोल के जाता है गुड बाय हर बारी. They bring water from the Lazarus pit all this way. The Lazarus pit से जो water आता है उससे वे लोग उन लोगों को ये abilities वगैरह देते हैं. कितना ज़्यादा काम है भाई ऊपर से यहाँ तक लेके आने का उस पानी को. यहाँ पे और बंदा आएंगे देखना. Oh no! अरे लग जा, जल्दी. नहीं मैं जा नहीं पाऊंगा. ओह नाइस गाइस, तुम लोग यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे. मैं लेकिन उनको इग्नोर कर करके जा रहा हूँ ना हर एक बंदे को. उन बंदों से लड़ने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि ऑब्वियसली आगे जाके मुझे लगता है मैन बैट से ही लड़ना होगा जो कि मेन होगा या फिर और कोई हो सकता है. यू नेवर नो. ओके यहाँ से स्क्विश थ्रू करना है इस वजह से तुम नहीं जा सकते. कॉर्नर में अटका दिया. एक तो मुझे कॉर्नर बहुत डर लगता है और मेन प्रॉब्लम ये है ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं मरने के लिए क्योंकि मेरी लेवल 21 है और इनकी लेवल 24-25 के आसपास है. क्या 25 है इसकी लेवल. उफ, और ये थोड़ा हार्ड हो रहा है. ओहो यार बारी सबकी आएगी क्यों करके. तुम लोग ऐसे चढ़ क्यों रहे हो? अरे इन्हें तो मुझे लगता है. ओ ऑल राइट, मुझे ये नहीं पता चलता है मेरा ये हेल्थ पोशन आता कैसे है. लाइक वो रीजनरेट होता है ये क्या सीन है इसका? ओ नो ब्रो, उसने तो पकड़ लिया यार मेरे को. ऑल राइट, मेरे को उस वाले बंदे को यार पकड़ना है ना. एक उसकी हेल्थ कम है काफ़ी. ये आ गई ब्रो. या देखो एक ही बचा है बस, इसको तो मैं जाने ही नहीं दूंगा अब. ओह चली गई भाई, कहते ही चली गई वो. बाय बाय. इजी इजी तो था नहीं बस ये. बस कहने की बात होती है. ओह यहाँ पर एक और चेस्ट है क्या? ऑलराइट चलो, मुझे लगता है ये लास्ट होगा स्क्वीज थ्रू.